अरे अर्णव, तेरे पे पूछता है नहीं भारत, सोशल मीडिया पे तेरे पे थूकता है भारत, और विनय दुबे तुझ पे मूंदता है भारत। अर्णव तेरा टाइम आ गया बेटा, तेरे पीछे ना अभी झाड़ू मार के, झाड़ू डाल के तेरे को मोर बनाने का नंबर आ गया है। अर्णव कैसा है मेरा बेटा, आज तो तेरा एकदम चूतिया कट गया यार, पूरे देश ने देखा, तू तो चला चिंदी चोर निकला, टीआरपी चोर, एक एक करके तेरी खूबसूरत पर परत खोली गई। कसम से मैं तो बोलता हूं देशवालों को कि पूरे देशवासी मिलके एक एप्लीकेशन लगाते हैं हम सब मिलके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कि भाई हमारे धरती पे, खास तौर पे भारत में, एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जो काम हम पीछे से करते हैं वो काम ये मुंह से करता है और पूरा देश देखता है। आज जिस तरह से तेरी ली है मुंबई पुलिस ने, दिल खुश है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, मुंबई आ रहा हो, तेरे लिए एक तोहफा तैयार करके रखा है और मुंबई पुलिस के माध्यम से देते हैं तुमको, देखिए। और अर्णव तेरा टाइम आ गया बेटा, तेरे पीछे ना अभी झाड़ू मार के, झाड़ू डाल के तेरे को मोर बनाने का नंबर आ गया है। और कसम से बोलता हूं बहुत मजा आएगा तेरे को, मुंबई भाषा में कैसा टपाटाप टपाटाप, आ गया है तेरा टाइम आ गया है। तेरे जैसा राष्ट्रवादी अगर पत्रकार होते होंगे ना तो माफ कर रहे बाबा देश को, तेरे जैसे बड़वे और दलाल ना हमको नहीं मांगते हैं, और उपकार कर देश पे। तेरा जो ये जो संडास खोल के बैठता है ना गटर, पूरा देश महकाता है, और आज तो तेरी हकीकत भी पता चल गई। साला तेरा काम तो नकली था ही, आदमी तो नकली था ही, साला तेरा चैनल भी चिंदी चोर निकला रे, टीआरपी चोर। और रुक जा, रुको, आ रहे हैं मुंबई गिफ्ट लेके, देखते हैं, इतना मस्त लगेगा ना बेटा तेरे को कि पिछवाड़ा तेरा एकदम फुल मोर के जैसा नाचेगा तू। कैसा ठोक ठोक के टेबल बुलाता था उद्धव सलमान, अभी तेरे बम्बू के नंबर आए हैं। आज देखा तेरा वीडियो, इतना फड़फड़ा रहा था, ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे तो अब हम बेटा, तेरा टाइम हो गया कर करके। और बुला ले तेरे बाप को, दिल्ली में बैठा है ना, जिंगल बेल जिंगल बेल सेंटा क्लॉस, बुला लेना उसको, देखते हैं कौन बचाता है। अभी तू कानूनी तौर पे फंसा है, यही जो तू फड़फड़ाता है ना, तेरी औकात सिर्फ भूखने की है, आके साला पूरे देश को गंदा करता है। और सबसे ज्यादा हंसने को मुझे वो आता है कि इनको देखने वाले चैनलों के, ऐसा जो चैनल है इसका, उसको देखने के लिए लोगों के पास इतना फालतू टाइम पड़ा रहता है, इतना पब्लिक अपना भारत का फुर्सत में बैठा है कि ऐसे चूतिए लोग को भी सुनने के लिए आधा आधा घंटा लोग टीवी पे बैठे रहते हैं। पूछता है भारत, अरे अर्णव तेरे पे पूछता है नहीं भारत, सोशल मीडिया पे तेरे पे थूकता है भारत, और विनय दुबे तुझ पे मूंदता है भारत। तेरे जैसे लोगों की औकात नहीं है रे समाचार पत्रिका और ये पत्रकार बनने की। हम तो तुझसे अपने घर का संडास ना साफ कराए, साले हमारे संडास और उसके अंदर पड़ी हुई चीज का अपमान हो जाएगा तेरे हाथ लगाने से। तो तेरे जैसे जो चूतिया है ना, देश पे बोझ है, और तुम जैसे जब तक लोग रहेंगे ना ये देश अशांत ही रहेगा। तुमने सुशांत की बजा ली और देश को अशांत कर ली। मेरे को बता ना, तेरी वो बहन कंगना किधर है आजकल, दिला दिया क्या इंसाफ? बहुत पटेली बड़ी बड़ी कि अगर सुशांत सिंह को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपना पद्मश्री वापस कर देगी। कर ना, अरे करो, कहाँ गई, किस बिल में छुप के बैठी हो कंगना? सुशांत ने तो आत्महत्या कर ली रे, एम्स वाले भी बोल दिए, तुम्हारे पापा का हॉस्पिटल, सॉरी सॉरी पापा का नहीं था, नेहरू जी का था। चल अभी तो तेरे पापा के पास है ना, तो बोलना अभी क्या हो गया, कभी कर रही है पद्मश्री वापस, देश इंतजार कर रहा है आप कंगना, इज्जत प्लीज, नहीं तो सब दोगली बोलेंगे रे तेरे को भी, कि देखो दोगली एक्टर, एक पिक्चर में तू झांसी की रानी थी ना, एक में रज्जो भी थी, रज्जो जैसा मत कर वैसा, झांसी की रानी के जैसा रहो सामने से आके, और दिखाओ मर्दानगी, एक झांसी की रानी का एक निष्ठा दिखाओ आके कि मैंने जो बोला था वो किया, पद्मश्री वापस करने का था तो किया। सुशांत के नाम पे तुम लोगों ने 3 महीना 2 महीना पब्लिक को बेवकूफ बनाया, मेरे भाषा में बोलू तो चूतिया काटा, क्या मिला घंटा। अर्णब भी गया, कंगना भी गया, एक डीजीपी साहब थे बिहार के, रिजाइन मार दिए पुलिस से,
विधायक बनेंगे, उनका तो घंटा बज गया। पता नहीं तुम लोग किस मिट्टी के बने हो रे, तुम लोग को क्या लगता है देश की जनता बेवकूफ है क्या? कभी अपने औकात पे आ गई ना, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। और तुम लोग तो साला रोज आके गंदगी करते हो रे, और अर्णव तो आके मुंह से हाँकता है टीवी चैनल पे। सुधर जा रहे अर्णव, कितना खाएगा, लोग तेरी पीछे से लेके आगे तक सब मारते रहते रे। पता नहीं किस गू से बना हुआ इंसान है, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? इतनी बेइज्जती तो भी आके एकदम मुस्कुराता हुआ बैठेगा, राष्ट्रभक्त पत्रकार। अरे घंटे से मेरे राष्ट्रभक्त पत्रकार, तेरे जैसे अगर राष्ट्रभक्त पत्रकार होंगे ना तो भारत मतलब चूतिया हो जाएगा। ऐसा कैसे कैसे चूतिया भरे रहे हमारे देश में, तेरे को देख के लगता है कसम से। मामला बहुत गंभीर है, संभालना चाहिए अभी हम लोगों को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।